जी बेटा, अब याद रहे कि मैं इलास्टिक कोलिजन एंड डायमेंशन के स्पेशल केसेस आज पढ़ाने जा रहा हूँ, और स्पेशल केस नंबर इलास्टिक कोलिजन एंड डायमेंशन का केस नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। और केस नंबर 1 क्या है कि बोथ द बॉडीज हैव, अगर दोनों बॉडीज के स्फेरिकल बॉडीज के मासेस को क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए, यानी कि m1 को किसके बराबर कर दिया जाए, m2 के। अगर बताएं मासेस को सेम कर देंगे तो मास क्या बन जाएगा, इसको m कह देंगे। और ये पहले वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरी वाली की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। अगर सेम मासेस हैं और दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो बताइए v1 और v2 जो है वेलोसिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब v1 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और v2 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब पहली वाली बॉडी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो दूसरी वाली बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि हमने ये फॉर्मूला आपके सामने v1 और v2 के लिए कल ड्राइव किया था, ये v1 आपके सामने मौजूद है फॉर्मूला। तो बताइए v1 की कंडीशन कैसे बनेगी। इधर देखिए तमाम स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, मुझे बताइए m1 की जगह पर मैं m लिखूंगा और m2 की जगह पर भी मैं m लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों मासेस क्या है, सेम है। ये केस नंबर 1 है, m प्लस m, और u1 की जगह u1 ही रहेगा, प्लस साइन 2m u2 डिवाइड बाय, जल्दी बताइए, m प्लस m। m और m2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, m लिख रहा हूँ। मेरे बेटा ये प्लस का m है और ये माइनस का m है, बताइए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना कैंसिल। v1 इक्विवेलेंट टू न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बताइए, 0 u1 डिवाइड बाय m प्लस m, बताइए क्या हो जाएगा, 2m प्लस साइन 2m u2 डिवाइड बाय m प्लस m 2m। इधर देखिए ये 2m से 2m क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, 0 u1 से मल्टीप्लाई होगा, जब 0 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 0 भाई, 0 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 2m, पूरे टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना बेटा, 0 मल्टीप्लाई बाय u1 डिवाइड बाय 2m, 0 डिवाइड बाय 2m, 0 से जो टर्म डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस साइन, और फिर ये 2m से 2m क्या हो गया, u2। तो बताएं v1 किसके बराबर आ गया बेटा, v1 किसके बराबर आ गया, u2 के। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, मतलब वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। इधर सुनो, सेकंड वाली जो बॉडी है यानी कि जो m2 है, इसको मैंने m कंसीडर किया हुआ है, उसकी वेलोसिटी फर्स्ट वन के अंदर आ गई, और क्या होगा, फर्स्ट वन की वेलोसिटी किसके अंदर चली जाएगी, सेकंड वन में। ऐसा कब होगा, सिर्फ कब होगा, कंडीशन क्या लिखी हुई, दोबारा पढ़ो, इफ बोथ द बॉडीज हैव, अगर मासेस सेम होंगे और वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, पहली वाली की वेलोसिटी किसमें चली जाएगी, और दूसरी वाली की वेलोसिटी, मतलब v1 किसके बराबर आ गया है, v1 किसके बराबर आ गया है, u2 के, तो v2 किसके बराबर आ जाएगा, u1 के। तो अब आपके सामने निकाल के चेक करते हैं ना यार, अब बताइए इसी के साथ मैं आपके सामने क्या निकालूंगा, यहाँ पर इसी के साथ मैं आपके सामने बेटा किसके लिए अरेंज करूंगा, v2 के लिए अरेंज करूंगा, फॉर्मूला फॉर v2, v2 के लिए अरेंज किया जाएगा इसके बाद। अच्छा सर, सुमेगा कह रही है सर फिर से रिपीट करते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, सुन ले जल्दी से, शाबाश। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ और मैंने जो है वो रिकॉर्ड कर दिया ये, तो रिकॉर्डिंग में तो बार बार हूँ। अब बताएं बेटा v2 के लिए जब हम अरेंज कर रहे हैं तो v2 का फॉर्मूला पहले हमने जो ड्राइव किया था वो ये था। अब v2, मेरा मानना है कि v2 का जवाब क्या आएगा, u1 आएगा, तो चेक कर लेते हैं, v2 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कर लेते हैं, बताएं m1 की जगह क्या आ जाएगा, m u1 डिवाइड बाय m प्लस m, ये m और ये m डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2m, क्योंकि दोनों के मासेस क्या है, सेम है, अभी बताया। फिर यहां बताएं क्या हो जाएगा, m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m, और ये u2। अब तमाम स्टूडेंट देखें जरा जल्दी से, यहाँ पर 2m से ये 2m क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ बेटा v2 किसके बराबर आ गया, ये u1 प्लस बेटा m माइनस m, प्लस का m माइनस का m क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2m। और बताइए ये बाहर क्या लिखा भाई, बेटा 0 इस टर्म से डिवाइड होगी, जब 0 इस टर्म से डिवाइड होगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 0 तो v2 इक्विवेलेंट टू u1 आ जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। बिल्कुल वो कैसे, 0 डिवाइड बाय दिस टर्म, पता है क्या हो गया, 0 0 मल्टीप्लाई बाय u2, तो
तो बताएं v2 किसके बराबर आ गया, v2 किसके बराबर आ गया u1 के, और v1 किसके बराबर आया था, v1 किसके बराबर आया था मेरे बेटा u u2 के, u2 के। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय कंक्लूजन, क्या करेंगे कंक्लूजन क्या करेंगे बेटा, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इफ द मासेस आर सेम, इफ द मासेस आर सेम, इफ द मासेस आर सेम सो द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे में इंटरचेंज जाएंगे विद ईच अदर। ठीक है मेरे बेटा, ये केस नंबर वन हो गया है, ये केस नंबर, हाँ रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर ली है, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है मेरे बेटा हमारा लेक्चर, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये केस नंबर वन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो जल्दी बताइए, मैं रब कर रहा हूँ। केस नंबर टू लिख रहा हूँ बेटा बोर्ड पर, केस नंबर टू स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी बताइए, रब कर दूं, तमाम बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया रब कर दूं जी बेटा, तो मैं ये रब कर रहा हूं। अब देखिएगा केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशल केस नंबर टू इलास्टिक कोलिजन डायमेंशन का। इफ बोथ द बॉडीज हैव सेम मासेस, मासेस अभी भी सेम ही हैं, केस नंबर टू में मासेस सेम है, यानी कि m1 किसके बराबर है m2 के, लेकिन लेकिन मेरे बेटा इस केस में हमें सेकंड वाली बॉडी को रोकना होगा, मतलब इस बॉडी को मैं मूव करने नहीं दूंगा, u2 को मैं रेस्ट पे रखूंगा, u2 जो है वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही बॉडी मूव करती भी आएगी, पता है कौन सी बॉडी मूव करती भी आ रही है, U1। अब ये बेटा स्नूकर बोर्ड वाली मिसाल सबसे परफेक्ट है, स्नूकर बोर्ड के ऊपर तमाम बॉल्स के मासेस सेम होते हैं, ठीक है ना, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, है ना बेटा, तमाम बॉल्स के मासेस क्या होते हैं सेम। अब बताएं स्नूकर बोर्ड के ऊपर एक बॉल को मैं टारगेट बना रहा हूँ, ठीक है ट्रेजेक्टरी बना रहा हूँ, तो जिस बॉल को मैं टारगेट बना रहा हूँ वो रुकी हुई है, और जिससे मैं स्टिक से हिट कर रहा हूं उसको मूव कराऊंगा, तो बताइएगा मूविंग बॉल जब रेस्ट बॉल से टकराएगी तो क्या होगा, जब मूविंग बॉल रेस्ट बॉल से टकराएगी तो क्या होगा। मेरा मानना यह है कि मूविंग बॉल रुक जाएगी, मूविंग बॉल अपना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मूविंग बॉल अपना मोमेंटम, अपनी क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली बॉल को ट्रांसफर कर देगी, सेकेंड वाली बॉल को ट्रांसफर कर देगी, और ये रुक जाएगी और ये आगे चली जाएगी, ऐसा होगा। तो मेरा मानना यह है कि जब मूविंग बॉल, लेकिन ये कब होगा, जब दोनों बॉल्स के मासेस क्या हो, जब m1 किसके बराबर हो मेरे बेटा m2 के बराबर हो, जब m1 किसके बराबर हो m2 के बराबर हो। एग्जाम्पल जो मैंने दी है बताएं तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई है बेटा, स्नूकर बोर्ड के ऊपर रखी हुई जो बॉल्स है उसकी मिसाल मैंने दी है आपको, स्नूकर बोर्ड के ऊपर रखी हुई बॉल्स दोनों के मासेस क्या होते हैं सेम, जब रेस्ट बॉल से मूविंग बॉल को आप हिट कराएंगे तो मूविंग बॉल टकराने के बाद रुकेगी और मूव रेस्ट बॉल आगे की तरफ बेटा मूव कर जाएगी, तो ये इसकी मिसाल है। आइए देखते हैं क्या होता है, तो मेरे बेटा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। अब बेटा फॉर वी वन के लिए चेक करते हैं, बताएं वी वन इक्विवेलेंट टू बेटा एम वन की जगह एम ही रहेगा और एम टू की जगह पर भी एम रहेगा, डिवाइड बाय फिर बताइए m1 की जगह पर m और m2 की जगह पर भी m, मासेस सेम है, u1 तो मूव करती भी आ रही है बॉल तो u1 को तो u1 लिखना होगा क्योंकि वेलोसिटी है, फिर बताइएगा 2m2, m2 की जगह m, अब बहुत तवज्जो रखिएगा u2 की जगह बताइए मैं जीरो लिख रहा हूँ, इज इट क्लियर, m प्लस m, u2 की जगह जीरो क्यों लिख रहा हूँ अभी बताया, क्योंकि सेकेंड वाली बॉल किस फॉर्म में है, बट सेकेंड बॉल की इनिशियली रेस्ट में हम हो गया। अब देखिए सिंपल मैथ्स है, बताइएगा प्लस का एम माइनस का एम क्या हो जाएगा, कैंसल, तो मेरे बेटा वी वन बराबर आ जाएगा एम माइनस एम, ये ऊपर क्या आ जाएगा जीरो, एम प्लस एम नीचे क्या आ जाएगा टू एम,
ठीक हो गया। और बताइए बाहर क्या आ जाएगा, यू वन प्लस बेटा जीरो से जब ये टू एम मल्टीप्लाई होगा तो बताइए टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, और एम प्लस एम क्या हो जाएगा, टू एम। अब आप कुछ भी कर लें, यहां भी न्यूमिनेटर में जीरो है, जीरो डिवाइड बाय टू एम आप डायरेक्ट लिखेंगे, अब इतना तो स्टेपिंग नहीं दिखानी है, जीरो डिवाइड बाय टू एम ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरे टर्म हो गई जीरो। बेटा जीरो यू वन से जब मल्टीप्लाई हुआ तो बताइए क्या हो गया, जीरो। अब जीरो डिवाइड बाय टू एम तो ये टर्म भी क्या हो गई, जीरो। तो मेरे बेटा बताइएगा वी वन का जवाब क्या आ गया है, जीरो। इस बात का कोई मतलब हो गया ना कि जब स्नूकर बोर्ड के ऊपर मूविंग बॉल रेस बॉल से टकराएगी तो मूविंग बॉल रुक जाती है और रेस बॉल आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो वी वन का जवाब आ गया है जीरो। ठीक है, और मेरे बेटा अब वी टू के लिए काम कर लेते हैं, और वी टू का जवाब हम पहले ही बताते हैं, वी टू किसके बराबर आएगा, वी टू किसके बराबर आ जाएगा, यू वन के बराबर आ जाएगा, वी टू किसके बराबर आएगा, यू वन के, क्योंकि ये वाली जो सेकंड वाली बॉल है जो रेस्ट में थी वो किसकी वजह से मूव कर रही है, मूविंग बॉल की वजह से, इसी की वेलोसिटी उसमें कंजर्व हो गई। कंजर्व का मतलब क्या है, ट्रांसफर हो गई, मतलब मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बेटा वी टू भी निकाल लेते हैं, वी टू भी निकाल लें तमाम बच्चे जल्दी शाबाश। तो बताइए बेटा वी टू अगर मैं निकाल रहा हूं तो बेटा वी टू इक्वेलेंट टू बताएंगे टू एम वन की जगह एम आ जाएगा, यू वन की जगह यू वन ही रहेगा, और बताइएगा यहां पर एम प्लस एम ये वही आ गया बिल्कुल एज इट इज प्लस साइन, एम टू की जगह पर एम आ गया, एम वन की जगह पर एम आ गया, डिवाइड बाय एम प्लस एम, और बताएं यू टू की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, जीरो। ठीक है जी, अब बताइएगा बिल्कुल वही वाला काम, तो बताएं टू एम डिवाइड बाय एम प्लस एम क्या आ जाएगा, टू एम, और ये क्या आ गया, यू वन प्लस साइन, पता है प्लस का एम माइनस का एम क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो ही रहेगा, डिवाइड बाय एम प्लस एम क्या हो गया बेटा, टू एम, तो जीरो डिवाइड बाय टू एम टर्म जीरो, पता है टू एम से टू एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बेटा वी टू किसके बराबर आ गया, सिंपल क्या बच गया, यू वन, यानी कि सेकेंड वाली जो बॉल है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड वाली बॉल में जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेसिकली कौन सी वाली है, फर्स्ट वन वाली है, यू वन है। इज इट क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, कंक्लूजन लिख देते हैं इसका, इफ द मासेस आर सेम, इफ द मासेस आर सेम बट यू टू बिकम्स क्या था बेटा, जीरो, सो द फर्स्ट बॉडी फाइनली एट रेस्ट एंड द सेकेंड बॉडी will be moved. ठीक है बेटा, तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है, हमारे तमाम स्टूडेंट्स को बेटा ये मैंने आपके सामने केस नंबर टू पूरा लिख दिया है। ठीक है मेरे बेटा, अब हम केस नंबर थ्री की बात कर रहे हैं और केस नंबर फोर की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये हमारा केस नंबर वन और केस नंबर टू पूरा हुआ। ठीक है, नाउ मूव टू द केस नंबर थ्री, नाउ मूव टू द केस नंबर थ्री, अब बेटा हम मूव कर रहे हैं केस, हाँ भाई अब मैं रिकॉर्डिंग की मैंने ऑन कर दिया मेरे बेटा, अब ये केस नंबर थ्री मैं बच्चों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा केस नंबर थ्री में क्या है, एक बहुत तुन्नी नाजुक सी बॉडी है लेकिन बेटा उसकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि वो टकरा रही है हैवी बॉडी से, यानी कि आपके अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए बस, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, क्या ख्याल है? अगर आपके अंदर जज्बा है तो फिर आप देख सकते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या ख्याल है? एम वन बहुत ही लाइटर है और एम टू बहुत मैसिव है,
M1 की इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या नाम देंगे, वो U1 का। और मेरे बेटा मैसिव बॉडी को मैं वेलोसिटी नहीं कह रहा, उसकी वेलोसिटी को मैं क्या कह रहा हूँ, मैसिव बॉडी रेस्ट में है तो बताइएगा U2 किस फॉर्म में हो गया, रेस्ट के फॉर्म में हो गया, U2 इज दैट ऑफ रेस्ट। तो उसको मैं एरो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो तो रेस्ट में उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, रेस्ट में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं, ये डायरेक्शन है बाकायदा ये इसकी तरफ जा रही। तो बेटा इसकी मिसाल है आप एक टेनिस बॉल को दीवार पर मार रहे हैं, जब आप एक टेनिस बॉल को दीवार पर मारेंगे तो दीवार क्या हो गया M2 मास और टेनिस बॉल क्या है M1 मास, ऐसा है या नहीं बताइए। जब आप टेनिस बॉल को मेरे बेटा दीवार पर मार रहे हैं तो टेनिस बॉल क्या है M1 मास और दीवार क्या है M2 मास। तो बताइए जब टेनिस बॉल दीवार पर जाके टकराएगी तो टकराने के बाद क्या कर जाएगी बाउंस, जिस वेलोसिटी से वो गई थी उसी वेलोसिटी से वो वापस आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस तरफ गई थी और वापस इधर आई, अगर इधर जाती तो इधर वापस आती, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैसिव बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, इज इट क्लियर, ठीक है मेरे बेटा। अगर मैसिव बॉडी M2 है और लाइटर बॉडी M1 है, यानी कि टेनिस बॉल दीवार से टकरा रही है जाके, ये इसकी मिसाल है, तो बताइएगा M1 V1 किसके बराबर आएगा, और मेरे बेटा ये जो M2 है इसमें V2 किसके बराबर आएगा, ये हमारी मिसाल आपके सामने मौजूद है सारी मुकम्मल तौर पर, ठीक है मेरे बेटा। तो आइए देखते हैं, जब एक बॉल दीवार से जाके टकराएगी तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, बताइए एग्जाम्पल समझ में आ गई, ठीक है मेरे बेटा। अब मेरी बात बहुत तवज्जो सुनिएगा, बताइए इनिशियली जो V1 जो लाइटर बॉडी है वो टकरा के बाउंस बैक करेगी तो उसका जवाब क्या होगा, गौर से सुनिएगा। इधर देखिए बेटा M1 की जगह पर मैं, अब यहां पर जरा एक चीज समझनी है आपने बड़ी अहम है, M1 की जगह पर मैं ये आपको बताना पहले चाहिए था मुझे, अब बता रहा हूं मैं, सिंस M1 is too much smaller than M2, so M1 जो मास है मेरे बेटा उसको हम क्या कर देंगे, will be neglected, हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। बेटा क्या ये मास, मिसाल दे रहा हूं बताइए, क्या M1 मास आ रहा है, बताइए टेनिस बॉल दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज ला पाएगी, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, दीवार के ऊपर जब बॉल टकराएगी, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने दीवार के ऊपर बॉल मारी और दीवार जो है वो पीछे और खिसक गई, बराबर लोग यहां चली गई, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। तो बताइए वो मास जो कोई चेंज नहीं ला रहा, कोई रुकावट कोई रेजिस्टेंस कोई चेंज नहीं ला पाता, उस मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, वो ना होने के बराबर है। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं V1 इक्विवेलेंट टू, ठीक है मेरे बेटा, V1 इक्विवेलेंट टू बताइएगा M1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 0, M2 की जगह एक ही मास है तो उसको M कह दो, डिवाइड बाय यहां पर M1 की जगह 0 और M2 की जगह पर M कह दो, और बताइए U1 की जगह क्या आ जाएगा, ये U1 प्लस साइन, फिर बताइए 2 M2 की जगह M कह दीजिए, M1 की जगह 0 प्लस M, और मेरे बेटा U2 की जगह 0, U2 की जगह 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड बॉडी जो है वो किस फॉर्म में है, रेस्ट के फॉर्म में है। तो जरा जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स बता दीजिए, बताइए ये ऊपर 0 ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना ही ऐड हो सकता है, तो ऊपर क्या बचा माइनस का M, नीचे क्या बचा प्लस का M, और बाहर क्या है U1 प्लस साइन, 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा तो पूरी टर्म क्या हो गई 0, M से M क्या हो गया कैंसिल, बेटा V1 किसके बराबर आ गया माइनस के U1 के, और ये माइनस साइन किसको शो कर रहा है जल्दी बताइए, व्हाट इज नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या है बताइए, बॉल दीवार की तरफ ऐसे गई थी और टकराने के बाद ऐसे आ गई तो डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वेयर नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वेयर नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट इन डायरेक्शन,
अब बेटा ये लास्ट में जल्दी से लिख के वी टू लिख के आपको यहाँ खत्म कर देता हूँ इस डेरिवेशन को। बताइए वी टू की जो यू वन का जवाब क्या आया, माइनस का वी वन का जवाब क्या आया, माइनस का यू वन आ गया। अब वी टू का जवाब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा, क्योंकि वी टू दीवार जो है उसके ऊपर जब बॉल टकराएगी तो दीवार की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वी टू इक्वेलेंट टू बताएं, टू एम वन की जगह मैंने क्या लिख दिया, जीरो, ये यू वन डिवाइड बाय, पता ही नीचे में क्या लिखूंगा, जीरो प्लस एम। अब देखिए एक ही स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं, एम टू की जगह क्या आएगा, एम जीरो जीरो, एम इधर देखें जीरो, बताएं जीरो टू से मल्टीप्लाई हुआ यू वन से, टू जीरो 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 मल्टीप्लाई बाय यू वन, ये पूरे टर्म जीरो, और डिनोमिनेटर में एम लिखा हुआ ये भी जीरो हो गया, मतलब ये पूरे टर्म जीरो हो गई है, जीरो डिवाइड बाय एम जीरो प्लस, यहाँ देखें जीरो एम माइनस जीरो, एम माइनस जीरो का मतलब क्या है, एम एम जब जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो डिवाइड बाय एम, ये टर्म क्या हो गई, जीरो। तो ओवरऑल रिजल्ट बेटा वी टू का आपके पास क्या आ गया, जीरो, यानी कि मैसिव बॉल जो मैसिव मास है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा आज की क्लास में ये हमारे तीन केसेस मैंने पढ़ा दिए, आखिरी केस मैं अब मंडे वाले दिन पढ़ाऊंगा, और बेटा मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर अगले वीक के अंदर हम इस चैप्टर का बाकायदा तौर पर इख्तिताम करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट जरा मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा, जो कुछ मैंने पढ़ा ये वीडियो रुक गई है, नहीं हैंग हो ये वीडियो, मैं आ नहीं रहा वीडियो में, अब आए। हाँ बेटा, तो ये तीन केसेस आज की क्लास में पढ़ा दिए हैं, अब चौथा केस जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे अच्छा आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है सर, मैं सामने नजर आ रहा हूँ बेटा आपको। तो ये तीन केसेस हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये आज की क्लास में हमने ये तीन केसेस कर लिए। अब बेटा फोर्थ केस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है फिर रिसेस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है बेटा। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है जल्दी बता दीजिए, तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है टॉपिक, क्लियर है तमाम बच्चों को, ठीक है मेरे बच्चों। तो इनशाला अब आपसे मंडे वाले दिन मुलाकात होगी, इनशाला मंडे वाले दिन मैं तमाम स्टूडेंट से जो है वो डिस्कशन करूंगा केस नंबर फोर की, और इनशाला अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इनशाला नेक्स्ट वीक के अंदर इसको एंड करेंगे, ठीक है मेरे बेटा। अल्लाह हाफिज।